सभी ने खाए होंगे, लेकिन जामुन के ऐसे तीन ड्रिंक जो केवल पानी से, दूध से और दही से बनने वाले हैं, और उसके इतने सारे बेनिफिट्स से आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से जामुन को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, ये गर्मियों में पाया जाने वाला फल है जो कि बहुत आसानी से, बहुत सस्ता फल है। इस समय गर्मियों का ही मौसम चल रहा है, तो आप इसको किस तरीके से अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए कि मैंने इसके सीड्स को आप इस तरीके से निकालकर, इसको गर्मियों का फल कहते हैं, इसको इंडियन ब्लैक बेरी भी कहते हैं, इसको कई लोग ब्लू बेरीज भी कहते हैं। आप इसको इस तरीके से जब जामुन को खाते हैं तो ये देखिए इस तरीके से इसका जो सीड है कितनी आसानी से अलग हो जाता है। और हमने इसके जो ये वाला जो फल हमने जो इसका लिया है, इसके आपको बहुत सारे मैं आपको बेनिफिट बताने वाली हूँ। इसके अंदर आयरन होता है, आयरन जो कि लड़कियां जब एडोलोसेंट एज में एंटर करती हैं, जैसे कि 10 से 12 साल की लड़की होती है, उसको खून की कमी हो जाती है क्योंकि उसके पीरियड मेनार्के स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम्स आती हैं, हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। तो आप इतना इजीली अवेलेबल ये फ्रूट है, इसको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो आपकी खून की कमी दूर होगी। इसके अंदर मैग्नीशियम है, ये डायबिटिक फ्रेंडली है। इसके अंदर फॉस्फोरस है, पोटेशियम है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर कैल्शियम है जिससे हमारी बोन्स मजबूत होती है। तो इतने सारे इसके फायदे हैं। इसके अंदर डाइटरी फाइबर है जिससे कि कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लग जाती है। तो देखिए आज मैं आपको इसकी ड्रिंक बताती हूँ कितने जो आसानी से बन जाते हैं। इसको आप इसके बारे में ये कहा जाता है आम के आम और गुठलियों के दाम। पहले हमने इसके फल को इस्तेमाल करा और उसके बाद देखेंगे इसके हम गुठलियों को भी इस्तेमाल करेंगे, इसके पत्ते को भी इस्तेमाल करेंगे। हमने इसके अंदर पानी डाला और ये मैंने इसके अंदर फल डाला है। ये इसको हमने जो है टाइटली बंद किया। आप इसको ब्लेंड करेंगे। कितना सुंदर कलर है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन बी के तो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर, विटामिन B1, B2, B3, B6, B12, तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं जिसके के लिए ये बहुत ही बढ़िया है। ये डायबिटिक फ्रेंडली है, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए तो ये रामबाण का काम करता है। कितना ब्यूटीफुल कलर का ये ड्रिंक तैयार हो गया है। आप इसको टेस्ट बढ़ाने के लिए, इसके अंदर यदि हाइपरटेंशन नहीं है, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं है, तो आप इसके अंदर काला नमक डाल सकते हैं, ये भुना जीरा डाल सकते हैं, डाइजेशन के अंदर बहुत अच्छा रहता है ये। और आप इसके अंदर काली मिर्च डाल सकते हैं, काली मिर्च भी ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। और आप इसको ऐसे मिक्स करके आप इसको पीजिए। और किस समय पीना है आप इसको, जैसे आप लंच करते हैं, मिड मॉर्निंग का टाइम होता है ना ब्रेकफास्ट के बाद, और लंच से पहले जैसे कि 11:30 से 12:30 का जो टाइम होता है, आप उसमें ऐसे मिनी स्नैक्स इसको ले सकते हैं जिसमें क्रेविंग्स बहुत हो रही होती हैं। और शाम को इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे जब ऐसा लगता है ना कि चाय पी लो, क्या खाएं, गोलगप्पे खाएं, समोसे खाएं, तो आप उस समय अपनी डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। अब आप इसी के अंदर एक और हम ड्रिंक बनाएंगे, इसको आप मिल्क शेक कह सकते हैं कि हमने इसी जामुन का मिल्क शेक, आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, आपको लग रहा है मुझे इसको न्यूट्रिशियस हेल्दी ड्रिंक देना है, तो आप इसके अंदर ये 3-4 चम्मच आप ये डालें। आपको 9 या 10 जामुन एक बार में इनफ रहेंगे। और हमने ये इसके अंदर दूध डाला, और आपको लगता है कि थोड़ा सा टेस्ट एनहेंस करने के लिए थोड़ा सा इसमें आप हनी भी डाल सकते हैं। ये देखिए हमने इसमें हनी डाला, तो हनी से थोड़ा सा न्यूट्रिशियस हो जाता है, क्योंकि शुगर से तो बेटर है कि आप इसके अंदर गुड़ डालें। गुड़ में थोड़ा सा तो आयरन होता ही है, और इसके अंदर पता है आपको सबसे इंपॉर्टेंट जिंक पाया जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा कोविड के अंदर लोगों ने जिंक कोविड बहुत खाई है, क्योंकि जिंक से क्या होता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। जब लोगों के टेस्ट और स्मेल चले गए थे ना कोविड के अंदर, तो लोगों ने बहुत जिंक कोविड खाई है। तो जब आपको डायरेक्ट एक ऐसा मौसम का फल मिल रहा है, तो क्यों हमें जिंक कोविड खाने की नीड है ना, तो हम इसको डायरेक्ट ही जो है अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ये देखिए, अगर आपके घर पे गेस्ट आए हैं, बच्चे भी अगर आपके घर पे आए हैं, तो आप इसके अंदर आइसक्रीम, आप इसके अंदर आइस डाल सकते हैं। जैसे मैंने आइस रखी थी अपने पास ही, लेकिन मैं डालना भूल गई इसके अंदर। आप इसको ड्यूरिंग ब्लेंडिंग आप आइस डाल सकते हैं, इसके अंदर आप आइसक्रीम भी डाल सकते हैं। आपके घर में कोई वनीला फ्लेवर पड़ा है, कोई स्ट्रॉबेरी है या बटर स्कॉच है, आप एक स्कूप डाल दो, बच्चे भी बड़े खुश होकर पियेंगे इसको। और अब इसी के अंदर, क्योंकि हमारा ब्लेंडर जो है पहले पानी वाला था, अब ये दूध वाला है, वी कैन यूज कर्ड टू। अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक है, अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस है, उसको दूध हजम नहीं होता है, या फिर किसी को सोरेसिस की प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून बीमारियों में भी कई बार डॉक्टर ना तो आपका दूध बंद कर देते हैं, किसी को गैस गैस का इशू है या वेट लॉस करना है, तो आप, या मैंने हमने दही लिया इसके अंदर,
दही के अंदर आप ये जामुन के डालेंगे। मैंने आपको बताया था कि 9 या 10 जामुन एक बार में इनफ है। और टेस्ट को एनहेंस करने के लिए आप इसमें शहद डालेंगे, मतलब शहद की ऐसी कोई नीड नहीं है डालने की, आपकी शहद डालना कंपलसरी है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। तो ये हमने इसके अंदर डाला और जो आप इसको इस तरीके से टाइट बंद कर देंगे और आप इसको ब्लेंड करेंगे। इसको हम स्मूदी कहते हैं। वेट लॉस में बहुत फायदा करता है स्मूदी पीना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमको न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट खाना है, मुझे कुकिंग मुझे नहीं करना फायर पे काम, तो आप फायर पे भी काम नहीं करना पड़ा आपको और आपका इतना जो बढ़िया सा आपका एक स्मूदी बन गई आपकी, ये देखिए बहुत ही टेस्टी होता है ये। तो जब आप इसको पियेंगे आपको बहुत ही मजा आने लगता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था ना अभी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। तो हमने क्या किया कि हमने इसकी सारी सीड्स को लिया, जैसे आप ये आपने जो सीड्स निकाली थी, सीड्स निकाली थी ना अभी आपके सामने, तो हमने सीड्स का पाउडर बना लिया। जैसे ये सीड्स को सुखाकर आप इसका पाउडर बना लिया। अब जिन दिनों में जामुन का फल नहीं आता मार्केट में, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमने जामुन की सीड्स का पाउडर बना के रख लिया, तो आप इसको सुबह 1 चम्मच अपने मुंह में डालो और इसको पानी से पी लो। तो ये क्या होता है कि डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हाई मैग्नीशियम होता है, ठीक है, और जो ग्लाइसिमिक इंडेक्स कम होने की वजह से जो ब्लड शुगर है वो तेजी से नहीं राइज करता है, और डायबिटीज वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आपने 1 चम्मच मुंह में डाला और उसका पानी पी लिया। तो और इसके अलावा ये डिटॉक्स का काम करता है बॉडी में, जैसे कहते हैं ना डिटॉक्स वाटर। तो जब आप इस वाले पानी को पीते हो तो वेट लॉस में सहायक है। 1 चम्मच ये लेके और पानी पी लीजिए तो ये वेट लॉस में बहुत अच्छे से काम आता है। और साथ ही साथ इसके पत्ते, मेरे पास पत्ते अवेलेबल नहीं है, तो पत्ते को भी आप काढ़ा बनाकर, जैसे आपने पत्तों को पानी में उबाल के काढ़ा बना लिया, गला बैठा हुआ है, आप उस पत्ते के पानी के गरारे कर लो, ठीक है। और ये एंटीवायरल है, एंटी फंगल है, कहीं शरीर में कोई भी फोड़े फुंसी हो रही है तो आप इसके सारे ड्रिंक्स आपके बहुत काम आते हैं। और आप ऐसे जामुन को जामुन के तरीके से भी खा सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार मैं इतना भी नहीं करना चाहती हूँ, अब इस जामुन को जामुन की तरह खाइए। लेट नाइट भी यदि आपको थोड़ी क्रेविंग्स हो रही है तो आइसक्रीम खाने की बजाय यू प्रेफर टू ईट द जामुन एज इट इज। और मैं एक डाइटिशियन हूँ, मेरा नाम निशा गुप्ता है, मैं कंसल्टेंट हूँ और कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और योगा एक्सपर्ट हूँ। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं।